बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम आपके साथ बहुत ही यूनिक सी अलग सी एक चिकन फ्राई की रेसिपी लेके आ गए हैं, जो बनाना बहुत इजी है, बहुत जूसी बनती है। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि ये रेसिपी इतनी जूसी कैसे बनती है, इतनी टेस्टफुली इसको कैसे बनाया जाता है। तो करना आपने ये कि हमारी वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, बाद में बनाने के टाइम में आप चिकन ख़राब करेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा चिकन है, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा दिया है। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। 3 अदद हमने चिकन ले लिए थे, जिनको हमने बड़े पीस में काट लिया था। इस रेसिपी में चिकन बड़े पीसों से ही तैयार होता है, आप चाहें तो छोटे कर लें। हमने भी आगे जाके इनको थोड़े से छोटे पीस किए थे, क्योंकि खाने वालों को बहुत जल्दी थी, भूख भी बहुत लगी हुई थी, काम से आए हुए थे सभी, तो इसलिए भाई जल्दी करने के लिए हमने इसके छोटे पीस किए हैं, वरना ये रेसिपी इसी बड़े पीसों के साथ तैयार की जाती। तो सबसे पहले इसमें करेंगे नमक ऐड। नमक आपने तकरीबन 2 चम्मच के आसपास ऐड कर लेना, हमने इसमें 4 टीस्पून नमक ऐड किया है। और साथ में करेंगे 3 चम्मच भर के इसमें अदरक अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड, और 3 चम्मच हम इसमें करेंगे विनेगर ऐड। हमारे पास 3 चिकन है तो 3 चम्मच इसमें काफ़ी है। अगर हम सिरका इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे, आधा कप या 1 कप ऐड करेंगे आप कर सकते हैं, लेकिन जो अदरक और लहसुन का एक टेस्ट, एक फ्लेवर इसका इन्हेंस हो गया चिकन में आना है, तो फिर वो ज़ाया हो जाता है। सिरका बहुत सारी चीज़ों को साइड पे कर देता है, मतलब कि ख़त्म कर देता है। तो इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फिर साथ ऊपर करेंगे इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के लेमन, अगर छोटे हो तो 4 से 5 कर लें, उनके छिलके भी इसी में ऐड कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ छिलके अलग साइड पर रख दें, लेकिन हम इसमें छिलके इसी तरह ऐड करते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में छिलकों समेत चिकन को पानी में डिप किया जाता है। तो अब जब तक ये चीज़ें होती हैं, तो हमने आपसे एक बात करनी है कि जो भी नए यूट्यूबर हैं, अगर किसी को आप सब्सक्राइब करते हैं, आप किसी के साथ कोई बात करते हैं, मैसेज शेयरिंग करते हैं, तो आप भाई 2 से 3 मिनट लाजमी किसी की वीडियो प्ले किया करें, तब जाके उसको ऐड किया करें। ऐसे ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस ऐड करने से ना तो उसको फ़ायदा ना उल्टा नुकसान होता है, तो किसी का बिल्कुल भी ना नुकसान करें। साफ दिल से, साफ नीयत से काम करें, थोड़ा कर लें लेकिन साफ़ सुथरा कर लें ना, मतलब कि ना खुद परेशान हो ना दूसरों को करें। तो आ गया जी हम वापस से चिकन को साफ़ सुथरा करके चंगी तरह धो धा के नुहा धोवा के लेंदे चिकन नु। हुण फिर असी करांगे इहदे उत्ते जी 1 चम्मच नमक दा ऐड, ते 2 चम्मच या 4 टीस्पून 4 से 5 टीस्पून जितनी आपको स्पाइसेस अच्छी लगे वाइट पेपर ऐड कर रहे हैं, और 1 टीस्पून इसमें करेंगे हम लाल मिर्चें ऐड, थोड़ा सा इसके ऊपर करेंगे जीरा 1 चम्मच के आसपास है, जो हाथों के साथ मसल लेना है, और 2 चम्मच भर के इसमें कर लेंगे धनिए के पाउडर का ऐड, और फिर अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। इसको इतना मिक्स कर लेना है कि जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं मैरिनेशन करने के लिए, सारी अच्छी तरह चिकन के ऊपर अप्लाई हो जाएं। तो कर लेते हैं फिर दूसरी बात, जब तक हम अपना काम करते हैं, और साथ 1 अदर लेमन है वो भी आप निचोड़ लें, अगर 2 तो 2 तो फिर बेस्ट है, हमारे पास एक ही था इसलिए 1 से काम चलाया। अच्छा जी, किसी को ऐड करने से पहले वीडियो प्ले करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप किसी की वीडियो प्ले किए बगैर ही उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो उसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं, कम होंगे ना, तो क्यों किसी का नुकसान करते हैं? आप जितने भी नए यूट्यूबर हैं देख लें, एक दिन बड़े होते हैं एक दिन कम होते हैं, तो यही वजह है बस जी, हमने कर लिया आपको कंप्रोमाइज़ हो रहा है जी, बिल्कुल भी ना ऐसे करें, करना है ना तो प्रॉपर तरीके से करें भाई, ना करें किसी का नुकसान, ना आपको कुछ फ़ायदा होता है ना अगले को होता है, उल्टा हम सब एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर मेरे साथ किसी ने करना है ना, तो भाई सीधी सी बात है, पहले या तो कम से कम दो वीडियो प्ले करें, अगर 2 करने का आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 मिनट तो वीडियो चलाएँ, तब जाके किसी को भी सब्सक्राइब करें, ऐसे बिल्कुल ना किसी का नुकसान करें। तो सारी मैरिनेशन को चिकन के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद हम चलेंगे जो हमने एक बैटर तैयार करना है उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए हमने लेना है जी अलग से एक देश की ले ली है, आपने भी जो आपके पास बर्तन हो ले लें, ज़रूरी नहीं है आप नए बर्तनों की साबित करें ये वो, मैंने कोई नया बर्तन नहीं लिया ना मैंने लेना है, जब तक मुझे इधर से पैसे नहीं मिलेंगे ना मैंने कुछ नहीं लेना। बहुत सारे बातें करते हैं मेरे अपने हैं, ये क्या है वो क्या है, नहीं लेना, इधर से पैसे ले के इंशाल्लाह इंशाल्लाह तब भी चीज़ें लेनी है।
तो एक देशघी में हमने 2 कप मैदे का ऐड कर लिया है और 1 कप हमने भर के पानी का ऐड किया था। पानी बाद में इसकी थिकनेस देख के, इसको इसका गाढ़ापन देख के तो कम या ज़्यादा करेंगे। और साथ हम करेंगे 4 चम्मच भर के मैदे का ऐड। मैदा आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, या तो आप मैदा यूज़ करें जो अच्छी क्वालिटी का है, नहीं तो आप 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर लें। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि चिकन आपका क्रिस्पी हो जाएगा, जूसी बनाने के लिए हमने बता दिया आपको, और क्रिस्पी बनाने का भी ये बेस्ट तरीका है। और साथ ही कर लेंगे हम 2 टीस्पून इसमें नमक का ऐड और 1 टीस्पून फिर दोबारा मिर्चों का ऐड करेंगे। जब भी आप कोई बैटर तैयार करें तो ज़रूर इसमें थोड़ा सा स्पाइसी डाले करें, नमक, वाइट पेपर या ब्लैक पेपर, या आप लाल मिर्चें इसमें ऐड कर लें। मतलब ऐसे ही एक बैटर का कुछ टेस्ट नहीं होता है। तो मैंने देखी है काफ़ी ज़्यादा वीडियो, मतलब कुछ भी थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करके तो चलें जी, उसमें ना यार मज़ा कुछ नहीं होता, फिर मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे ये तैयार करते हैं। तो अब चिकन को दोबारा ले आए, बैटर रेडी करके हमने साइड पे कर लिया है। साथ ही हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में अच्छा खासा ऑयल ऐड कर लिया। इतना ऑयल ऐड कर लें कि चिकन अच्छी तरह जब आप फ्राई करें तो इसमें डिप हो जाए। और उसको चिकन को हम करेंगे बैटर में डिप, अच्छी तरह बैटर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और कर देंगे आराम के साथ इसमें कढ़ाई में डाल देंगे जैसे कि हमने डाला। आपने बड़े आराम से डालना है, वो ज़्यादा ज़ोर से फेंक नहीं देना, फिर ऑयल भी परेशान करेगा आपको, हो सकता है हाथों पे आ जाए। मैंने भी वैसे आपने देखे होंगे वीडियो में हाथ वाथ जलाए हुए हैं। चिकन को कढ़ाई में डालने के बाद 15 से 16 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं कुक करना, तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से इसकी जो मैरिनेशन है वो चल जाएगी और फिर बड़ा दिखने में भी थोड़ा सा नज़र आएगा। तो पहले वाला हमने आपको दिखा दिया, अब बाकी जो हमारे पास चिकन था छोटे पीस कर लिए थे, बताया था आपको जल्दी थी, सबने खाना था, भूख लगी हुई थी, 5-6 सब जो भी रूममेट थे तो सबने सबको भूख लगी थी, काम से आए थे। इसी तरह हमने जो चिकन को छोटे पीस कर लिए उनको भी फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कितने प्यारा सा इसका कलर है, दिखने में जितना प्यारा है खाने में तो इसका टेस्ट लाजवाब। आपने सेम हमारे मेथड से ये रेसिपी ट्राई करनी है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के वान।